आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हम वोटर आईडी कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। पीवीसी कार्ड आपको सबसे पहले ब्राउज़र खोलकर वहां पर आपको एनवीएसपी टाइप कर देना है। एनवीएसपी टाइप करने के बाद आपके पास कुछ यहां पे इस तरह से आ जाएगा एनवीएसपी। तो आपको जो ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है और आपके पास जो है एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज खुलने के बाद आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है यहाँ पर, और ये आपके पास एक और जो है नया जो अपडेट हुआ था वोटर आईडी कार्ड का पोर्टल, वो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है। अगर जो आपको लॉगिन आपका नहीं हुआ है यानी साइन अप आपने नहीं किया है, तो आप पहले बना लें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड, तब आप लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी क्लिक कर देंगे। ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आप यहाँ फिल कर देंगे, ओटीपी फिल कर देंगे और उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फिर लॉगिन कर देंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो है फॉर्म नंबर 8 पे आ जाना है। फॉर्म नंबर 8 फिल फॉर्म 8 पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाता है सेल्फ़ और अदर इलेक्टर। अगर जो अपना कर रहे हैं, अपना ऑर्डर कर रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो दूसरे का कर रहे हैं तो अदर पे क्लिक करें। अदर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ईपिक नंबर मांगेगा, आपका नहीं मतलब दूसरे का ईपिक नंबर जिसका आप कर रहे हैं, और सेल्फ वाले पे आपका खुद ब खुद उठा लेगा, ये अपने आप उठा लेगा आपका ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड का नंबर। आप इसको ये इस तरह से शो होगा, आपका डिटेल आ जाएगा पूरा। जैसे ओके कर दें, ओके करने के बाद यहाँ पे आप जो है चार ऑप्शन आएंगे, चार ऑप्शन में तीसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे रिप्लेसमेंट वाले पे। तो यहाँ पर आप आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा, देख सकते हैं आप नाम एड्रेस पूरा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आप कुछ भी नहीं करना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सारा आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बस आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे लॉस्ट डिस्ट्रॉयड और म्यूटिलेटेड। आपको जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय वाले पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी जगह का नाम लिख देना जहाँ पे आप रहते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट जैसे क्लिक करें आपके पास इस तरह से फॉर्म जो है फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यह सन्नो पूछा। सबमिट करने के बाद अगर 15 दिनों के अंदर में आपका जो है वोटर आईडी कार्ड घर पर पहुंच जाएगा बाय पोस्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक।